कैसे आप लोग मेरे बहुत ही बड़े होंगे सबसे पहले तो जय माता दी क्यों क्योंकि आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि मैं गई थी वैष्णो देवी और तभी एक हफ्ते से मेरे मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने वहां पे कैसे दर्शन किए पूरा व्लॉग मैंने डिटेल में बताया हुआ है अगर आप भी मेरी तरह वैष्णो देवी जाना चाहते हैं अगर आप भी मेरी तरह वैष्णो देवी जाना चाहते हैं और मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो उन सारे सवालों का जवाब आप मुझसे ले सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी होकर आ चुकी हूँ तो अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब मैं आपको दूंगी तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल को लिखना है और जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप दोनों ही ब्लॉग चेक करें और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है किस तो व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं कोई परेशानी तो नहीं होगी सब कुछ मैंने डिटेल में बताया वही कैसे कैसे हमने यात्रा की तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर क्रीम यानी कि समर्स के लिए हम अपनी क्रीम खुद बनाने वाले हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्रीम है कोई केमिकल्स नहीं है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसे आप यूज करिए दिन में दो से तीन बार आप इसे यूज कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है कोई बाजार की क्रीम आपको खरीदने की जरूरत नहीं जब घर पे आप इतनी अच्छी क्रीम बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते वीडियो शुरू करते हैं तो आइए देख लेते इस क्रीम को बनाते कैसे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मैंने यहाँ पे पतंजलि का लिया है आप ये ग्रीन वाला भी ले सकते हैं मैं यहाँ पे ये सौंदर्य वाला ले रही हूँ जिसमें ऑलरेडी केसर होता है अगर आप ग्रीन वाला ले रहे हैं तो उसमें कुछ थ्रेड्स केसर के डाल दीजिए और ये वाला लेंगे तो आपको केसर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है अब मैं इसके अंदर एड करूँ पपाया जेल यानी पपीते का जेल ये फेस के लिए और बॉडी के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है टैन को रिमूव करता है आपकी डिस्कलरेशन है उसे रिमूव करता है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है तो एक चम्मच मैं इसमें ये पपाया जल डाल रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं पर अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छी क्रीम आपकी बनने वाली है अब मैं इसके अंदर डालूंगी विटामिन ई e के कैप्सूल जो कि आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे इजीली मिल जाते हैं एव्यून के नाम से आते हैं तो ये दो कैप्सूल मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा तो आप एक ही कैप्सूल ऐड करिएगा ये भी आपकी पिगमेंटेशन को कम करता है आपके दाग धब्बों को कम करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है तो ये दो कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है क्योंकि गर्मी का टाइम है हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ग्रेप ग्रेप सीड ऑयल जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी स्किन की जितनी पिगमेंटेशन है दाग धब्बे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे एंटी एजिंग होता है एंटी रिंकल्स होता है यानी कि रिंकल्स फाइनल सब आपकी दूर हो जाएंगी तो आप ग्रेप सीड ऑयल ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास रोज़ हिप ऑयल है वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर जोजोबा ऑयल जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं तीनों में से आपके पास कोई भी ऑयल हो उसकी कुछ बूंदें इसमें ऐड कर दीजिए बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है कुछ बूंदे यानी चार पांच बूंदे आपको ऐड करनी है तो मेरे पास ये ग्रेप सीड ऑयल है इसे मैं हल्का सा इसमें ऐड कर देती हूँ तो ये चार पांच बूंदे आपको ऐड करनी है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसी बढ़िया क्रीम बनाना चाहते हो तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहाँ से ले सकते हैं इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब इसे मिक्स करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएगा तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मैंने पहले भी कई बार आपको क्रीम बनाना सिखाया है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वो चेक कर सकते हैं ये देखिए ये बहुत ही अच्छी क्रीम हमारी तैयार हो गई है पर अभी ये मुझे बहुत गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करने वाली हूँ किसी भी अच्छे ब्रांड का आप गुलाब जल ऐड कर सकते हैं और इससे थोड़ी सी ये पतली हो जाएगी जैसे क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाएगा अभी ये काफ़ी थिक है जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना इस तरीके से तो ये थोड़ी चिपचिपी आपको लगेगी इसलिए मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है जिससे थोड़ी सी पतली हो जाएगी बिल्कुल क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और अप्लाई करने में आसानी रहती है और स्किन में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है तो बिल्कुल भी चिपचिपापन वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है बहुत ही अच्छी क्रीम रहती है ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आ गया है तो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी क्रीम की ये देखिए एकदम फ्लफ़ी होनी चाहिए क्रीम अब मैं इसे इस तरीके के किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी आपके पास कोई क्रीम की डिब्बी हो आप उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं तो ये आपकी काफ़ी दिन चल जाएगी और कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं आप इसे बाहर रखिए ख़राब नहीं होती है वैसे अगर आप फ्रिज में इसे रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जब ठंडी ठंडी क्रीम आप लगाते हैं तो आपके ओपन पोर्स भी ठंडक की वजह से श्रिंक हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो इसलिए पसीना भी कम आता है और ऑयल भी कम निकलता है तो इस तरीके से ये क्रीम मैंने बना के तैयार कर ली है अब आप इसे एक से दो महीने तीन महीने स्टोर करके रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देखिए कितनी जल्दी ये स्किन में अब्जॉर्ब हो गई तो मैं इसे आपको लगा के दिखा रही हूँ आपको अपने फेस पे भी इसे लगा के दिखाऊंगी बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि आपने फेस पे लगा के नहीं दिखाया तो मैं आपको फ़ेस पे भी लगा के दिखाऊंगी तो चलते हैं फेस पे लगा लेते हैं इसे अब यहाँ पे मैं इसे फेस पे लगाने वाली हूँ मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है तो आपको जब फेस वॉश करें उसके बाद इसे अप्लाई करना है तो ये देखिए इस तरीके से आपको डॉट डॉट करके फेस पे इसे लगा लेना है और नेक पे और इसको लगाने के बाद आपको एक मिनट तक मसाज करनी है अपने फेस की क्रीम लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक लेयर लगा दें क्रीम की आपको उसे लगा के मसाज करनी होती है अपवर्ड स्ट्रोक्स देने होते हैं जिससे क्या होता है आपके रिंकल्स फाइन लाइन्स कम होते हैं और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा मसाज करने से तो आपके वहाँ की फाइन लाइन्स कम होंगी आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होगी तो हमेशा क्रीम लगाने के बाद एक से दो मिनट मसाज जरूर करें इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स दूर होंगे और आपकी स्किन धीरे धीरे टाइट हो जाएगी तो कैसा लगा आज का ये वीडियो था ना इंटरेस्टिंग तो इस तरह की बहुत सारी डी मैं लेकर आती हूँ चाहे वो क्रीम हो चाहे कुछ भी बहुत सारी चीज़ें मैं स्किन केयर में लेकर आती हूँ स्किन केयर हो चाहे मेकअप से रिलेटेड हो बहुत कुछ आता है मेरे चैनल पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में एक नोटिफिकेशन बैल होगी उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा प्रेस नहीं करेंगे तो कब मेरा वीडियो आएगा कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आप मिस कर देंगे और कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं क्या चीज देखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए अगर ये क्रीम पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी थोड़ा सा फायदा हो जाए तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई नई वीडियोस के साथ टिल गुड बाय